सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, केटीएम लवर जितने भी है ना, आज उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफी टाइम से मेरे से बोल रहे थे, भाई केटीएम के लिए काउल लेकर आओ, काउल लेकर आओ। इससे पहले काउल आया था 5000 करोड़ साल पहले, काउल आया था, देखा था आपने क्वालिटी उसकी, भाई साहब मन नहीं करता उसको बाइक के अंदर लगाने का, क्या देखने का मन नहीं करता। इतनी घटिया क्वालिटी ना गाइस, जहाँ से फाक बाहर आ रही है उसकी, जहाँ से फाक बाहर आ रही है, कहने का मतलब समझ रहे हो, मुंह फाड़ रहा था कभी इधर से और पूरा भाई मतलब बेकार सा था। फिर भी मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ, आप वो जो पार्ट है आप बिल्कुल भी कतई मत लीजिए, क्योंकि भाई आप लोग जानते हो ना, पैसा मेहनत से कमाया जाता है ना, तो इसलिए मेहनत का जो पैसा होता है ना गाइस, बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमाया जाता है। इसलिए गाइस, जो मेहनत का पैसा है आप उसको भी बिल्कुल भी वेस्ट ना करिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को एक बढ़िया सा प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जो हमारा केटीएम काउल है। गाइस, केटीएम काउल किस काम आता है? तो केटीएम काउल बाइक के ऊपर आप पीछे लगा देते हो, तो इसके अंदर होता है ये है, आपकी सीट निकल जाती है, लेकिन हमारी बाइक की जो सीट है वो बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं है। आप सोच रहे होगे यार, सीट काउल तो लगा लिया, अपनी गर्लफ्रेंड को कहाँ बैठाऊंगा? तो उसका भी है हमारे पास में जुगाड़ है भाई, आप पूरी वीडियो तो देखो जरूर। तो गाइस, जुगाड़ इसलिए है ना क्योंकि आपका जो केटीएम काउल है वो रिमूवेबल है, यानी कि आप उसको निकाल के रख दो, अपने बैग में रख लो, जहां मर्जी आप रख लोगे तो आपके बैग में वो इजी आ जाएगा, और अपने गर्लफ्रेंड या घर के परिवार वगैरह का सदस्य को, किसी को भी कहीं से भी पिक करके उसको ले जा सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो हमारे पास में केटीएम काउल है वो कैसा है। तो गाइस, कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को, आप लोगों को ये बाइक का जो लुक है वो कैसा लग रहा है। किसी भी बाइक को अगर डिटेल्स चाहिए तो technokhanstore.com पर अवेलेबल है। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर मैं हर रोज नई नई प्रोडक्ट है वो अपडेट करता रहता हूँ। इसी के साथ में आप मुझे भी फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे, techno_khan के नाम से। तो दिखाता हूँ गाइस मैं आप लोगों को सीट काउल है वो, उसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, और आपकी बाइक के अंदर वो लगने के बाद में कैसा लुक देगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास में है केटीएम RC390 के लिए, या आपके पास में 125cc हो, 200cc हो, या 390cc हो, क्योंकि गाइस आप लोगों ने देखा है जो तीनों बाइक है वो तीनों बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस किस चीज़ का है? सीसी का फर्क है भाई। ये आप अपनी कोई सी भी बाइक में लगा सकते हो, और देख लो गाइस इसकी जो क्वालिटी है भाई, माशाल्लाह भाई क्वालिटी एक नंबर है। और ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है गाइस, ABS प्लास्टिक है, और आप इसके जो कलर फिनिशिंग है वो देखो भाई, कितना अच्छा इसके अंदर जो लुक है वो आ रहा है। और पीछे लगी हुई इसके अंदर बेल्टें, यानी कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जब आपके साथ में आपका परिवार का कोई फैमिली मेम्बर हो या आपका कोई भी खास साथी हो आपका, तो आप क्या करना, इसको बेल्ट को छुटाना और इजीली तरीके से आप अपनी बाइक में से ये रिमूव कर सकते हो। तो चलो गाइज, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप इसको अपनी बाइक के अंदर किस तरीके से लगाइएगा। और वैसे लगाना चाहो तो आप इसको ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे से इसकी बेल्ट लगाओ, और हम ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि गाइज महंगा प्रोडक्ट है, तो इसके साथ में रिस्क नहीं लेना ना, कोई भी आएगा छुटा के ले जाएगा। इसी के साथ में हम करेंगे अपनी बाइक का जो स्क्रू है एलन की वाला, उसको रिमूव करके हम लगाएंगे इसको अंदर से। तो चलिए गाइज, फटाफट लगाते हैं इस केटीएम काउल को। तो गाइस, जो हमारे चैनल पे नए भाई लोग आए हैं उन लोगों को बता देता हूँ इसकी जो सीट है वो कैसे खुलती है। सबसे पहले आप इसका जो आगे की सीट है वो खोलिएगा। तो सीट खुलने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा इसका जो टूल बॉक्स है गाइस, टूल बॉक्स के अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगा इसके सारे बहुत सारे स्क्रू गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो इसके अंदर मिलेंगे आपको एलन की। तो इसके अंदर एलन की लगेगी गाइस, 5mm की एलन की उसके अंदर यूज होगी। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इसके अंदर जो स्क्रू होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर है स्क्रू ये वाला, तो ये है इसके किट के साथ में एलन की मिलने वाली। तो इसी से हम इसको रिमूव करके इसके जो सीट है पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी। सो गाइस, इसका जो स्क्रू है हमने निकाल दिया, और जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका जो सीट है, सीट इसकी निकल गई, पायलट सीट जो हमारी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे अपना सीट काउल है वो रखेंगे, जस्ट आपने इसको इस तरीके से रखना है, और इसकी जो टाई बेल्ट है टाई बेल्ट से आप इसको टाइट कर देना। सो गाइस, इसकी बेल्ट खोलने के बाद में आपने बस अपने सीट काउल को इस पर इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद में आपको इसको पीछे की तरफ रख के जितनी भी गाइस की बेल्ट है अच्छे से इसको टाइट कर लेना, जस्ट इस तरीके से। और गाइस देखो, लगने के बाद में भाई एक अल्टीमेट जो लुक है वो आ रहा है, ग्लॉसी ब्लैक और ग्लॉसी ऑरेंज, जो हमारा केटीएम का कलर है सेम हमारा कलर है इसके ऊपर है। अब लगाते हैं इसको अपनी बाइक के अंदर, जिस तरीके से हमने खोला था इसको उसी तरीके से हम लगा देंगे अपनी बाइक के अंदर। सो गाइस, लगने के बाद में आप इसका लुक देख सकते हो भाई, एक अल्टीमेट वाला जो लुक है वो इसके अंदर से आ रहा है। और पीछे से बात करी जाए गाइस, ये देखो, यानी कि जो मेरी बाइक का कलर है गाइस, बाइक की कलर से बिल्कुल ही ज्यादा एक्यूरेट ये मैच कर रहा है,
ये देखो गाइस, बिल्कुल बोलते हैं ना एक फिनिश इसके साथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक। कमेंट करके जरूर बताइए गाइस आप लोगों को जो मेरी बाइक का जो लुक है अब कैसा नजर आ रहा है। सो साइड प्रोफाइल से अगर बात करी जाए तो गाइस ये देखो पूरे का पूरा मैच हो रहा है हमारी बाइक के साथ में। और ये देखो इस साइड से दिखाऊं तो मैं आप लोगों को, तो इस साइड से हमारी बाइक का जो लुक है कुछ इस तरीके से देखने के लिए आता है। कर सकते हो और आप इसको अपने घर पे भी आराम से इसको लगा सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको इसको निकाल के रखना है तो आपने क्या करना है, सीट खोलनी है, सीट खोलने के बाद में आपने जो उसका एलन के वाला स्क्रू है इसको खोलने के बाद में आप इसको अपने बैग में रख दो और बैग में रखने के बाद में आप भी जानते हो तो बिल्कुल सीट हो जाएगी आपकी बिल्कुल खाली। और ऐसा देख पा रहे हो कितनी अच्छी लुक है वो आ रही है। और जो गाइस सीट का ओले है आपको मिल जाएगा, KTM RC का मिल जाएगा, डोमिनार का मिल जाएगा, 390 का तो आपने देख ही लिया है, KTM का सारे मॉडल का अवेलेबल है, ड्यूक का मिल जाएगा आप लोगों को, डोमिनार का मिल जाएगा, यानी कि काफ़ी जो रेंज है हमारे technokhanstore.com पे अवेलेबल है। अगर कोई भाई हमारे स्टोर पे से भी लगवाना चाहता है तो उसका भी एड्रेस मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जरूर से जरूर चेकआउट करिएगा। और गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को जो बाइक का जो लुक है वो कैसा आ रहा है। तो इसी के साथ में गाइस करते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय।